जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ऐतिहासिक दरबार मूव प्रथा भी राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। इस प्रथा की वजह से सर्दी और गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी बदल जाती थी और सभी जरूरी सरकारी दफ्तर और सचिवालय को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू ले जाया जाता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में इसे दोबारा बहाल करने की वकालत की है। इससे इसकी जरूरत और इस प्रक्रिया में आने वाले खर्च पर बहस फिर से शुरू हो गई है। देखिए, दरबार मूव एक सिस्टम हुआ करता था जहां पे जम्मू और कश्मीर की सेक्रेटेरिएट और गवर्नमेंट जो है विंटर मंथ्स के लिए जम्मू जाती थी और समर मंथ्स के लिए श्रीनगर आती थी। इससे होता यह था कि दोनों रीजन्स को इक्वल डेवलपमेंट मिलती थी, इक्वल अटेंशन मिलता था और दोनों रीजन्स जो हैं वो इक्वली अच्छे से काम करते थे। इसमें लोकल इकोनॉमी जम्मू की काफी हद तक डेवलप हो गई थी क्योंकि जम्मू की इकोनॉमी काफी अच्छे से डेवलप हो गई थी क्योंकि काफी जो कश्मीर की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जब वो वहां जाया करते थे दरबार मूव के लिए तो वहां काफी पैसा खर्चते थे, वहां घरों में रहते थे, वहां घर किराए पे लेते थे, लोकल शॉपिंग करते थे, नौकरियां लगाते थे, ट्यूशन जाते थे, वहां की एजुकेशन सेक्टर जो था वो काफी विंटर एजुकेशन सेक्टर बूम पे था, वहां की सेल्स विंटर में काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। इससे एक लोकल इकोनॉमी जो है जम्मू की डेवलप हो गई थी। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की प्रथा 1872 में डोगरा शासक महाराज रणवीर सिंह ने शुरू की थी। इसके तहत सर्दियों के दौरान प्रमुख सरकारी कार्यालयों को जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर शिफ्ट कर दिया जाता था। ये प्रथा जम्मू कश्मीर के शासन के तरीके के अनूठे पहलू को दिखाती है, हालांकि इसमें शामिल रसद और खर्च को लेकर सवाल उठाए गए हैं। We have seen in the past how lot of money used to get the waste. Because of the Darbar move from 6 months to the Kashmir and 6 months to the Jammu, and we have seen that lot of money used to be wasted just for the transportation of the the documents, the transportations, the accommodations, security purpose of these employees in the Jammu. And today's in addition to that, lot of the people from Jammu and Kashmir, including the Kashmir region, they used to suffer a lot. 2020 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने ऑफिस रिकॉर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई कानूनी मकसद और संवैधानिक आधार नहीं पाया। 2021 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दरबार मूव को खत्म कर दिया। दरबार मूव की आलोचना करने वालों का मानना है कि हर साल इस पर खर्च होने वाली लगभग 200 करोड़ रुपए की रकम का इस्तेमाल डेवलपमेंट प्रोजेक्टों में बेहतर तरीके से हो सकता है। हालांकि इस प्रथा की वकालत करने वाले लोगों का दावा है कि इससे क्षेत्रीय एकता बढ़ती है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है।